सासाराम की बात अगर हम करें या रोहतास की बात करें, आप हमेशा से संघर्षशील रहे हैं, कभी थके नहीं आप। आपकी थकावट को आपकी ऊर्जा के रूप में मानी जाती है, क्या कारण है कि आप थकते नहीं? पहला कारण तो यह है कि मैं हमेशा 24 आवर्स समाज को ध्यान में रह करके अपने काम के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए मैं बाहर निकलता हूँ, जिसके और समाज में, समाज से लोगों का मिलता सपोर्ट और उनके समर्थन के कारण मुझे कभी थकावट नहीं होती है। आप तो पहले से भी समाज सेवा में रहे हैं, आपकी पहचान पत्रकारिता से थी, उसमें आप पत्रकारिता के अलावा भी समाज सेवा करते थे। अब सुनने में आ रहा है कि आप सासाराम को बेहतर करने सासाराम के नगर निकाय चुनाव में आ रहे हैं, लेकिन अभी इसकी डेटों की घोषणा बाकी है और कई तरह के जो प्रत्याशी थे जिन्होंने अपना नामांकन भी कर दिया था और आपने भी प्रत्याशी खड़ा किया था, आपकी धर्मपत्नी जी क्षेत्र में आई थी, इसके बाद एक आया कि लोग अपने घरों में बैठ गए, जैसा कि अब नोटिफिकेशन आएगा, गाइडलाइन आएगा, और आप थके ही नहीं, डोर टू डोर अभी तक लगे। क्या चल रहा है आपके मन में कि आप बेहतर करने के लिए उस पर आप रात दिन एक किए हुए? बोले तो उदय जी, मैं आपको बता देता हूँ कि चुनाव का तिथि निर्धारित कर दिया गया है, 2 फेज में चुनाव होने वाला है। हम लोग का सासाराम नगर निगम का चुनाव 28 दिसंबर को है, लेकिन जब 4 अक्टूबर को चुनाव की तिथि स्थगित की गई थी, एक्चुअली मैं उस समय भी बैठ सकता था, लेकिन मैं चुनाव लड़ने के लिए मैदान में सिर्फ नहीं हूँ, मैं गांवों में जाता हूँ, मोहल्लों में जाता हूँ, घरों में जाता हूँ। मुझे देखने से ऐसा महसूस होता है कि आज भी 60 से 70% लोग अपने अधिकार से वंचित हैं, उनको ये पता नहीं है कि हमारा अपना अधिकार क्या है। हर आदमी का अपना कुछ अधिकार होता है जिसकी उन्हें जानकारी होना अनिवार्य है, और आम आदमी को अपना अधिकार तभी पता चलेगा जब उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को अपने पद के अधिकार की जानकारी होगी। तो मैं उन लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, उनको उनका अधिकार बताने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि अगर हम अपने अधिकार को सिर्फ समझ जाए तो हमारा आधा समस्या सॉल्व हो सकता है, बताने के लिए मैं कंटिन्यू उनके बीच बना रहा और आज भी बना हुआ हूँ, आज भी जाते आते रहता हूँ। लोगों का जन समर्थन कैसा मिल रहा है? मुझे जन समर्थन का परवाह नहीं है, मेरा प्रयास है कि लोग अपने सोच में बदलाव लाए। कि हम हर गांव में जाते हैं तो लोगों से यही अपील करते हैं कि आप वैसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो शिक्षित हो, जागरूक हो और अपने पद के अधिकार को समझने वाला हो, जो भी आप को बेटर लगे आप उसका चुनाव कर दीजिए, कम से कम वैसे प्रतिनिधि का चुनाव न करें जो उस पद के महत्व को न समझता हो। तो लोग इस बात का लोगों में बहुत प्रभाव है, लोगों में बहुत असर है और लोग इस चीज़ को इस बार बदलना चाहते हैं, बाकी जो होगा वो तो चुनाव परिणाम बताएगा। नहीं नहीं, हम बात सासाराम की करते हैं, नगर क्षेत्र की बात करते हैं। अभी तक 21वीं सदी में हम रन कर रहे हैं और ये विकास से कोसों दूर है, क्या लगता है कि अगर आपको कभी सामाजिक जिम्मेवारी मिली तो लोगों के कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पे आप खड़े उतरने की कोशिश करेंगे? मेरा सबसे पहला मुद्दा है लोगों में जागरूकता लाना, लोग जागरूक हो जाएंगे। देखिए, यह सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारा सासाराम शहर देश के सबसे गंदा शहर की सूची में आता है, जबकि हमारे यहाँ सफाई पर प्रतिमाह 86 लाख रुपया खर्च किया जाता है और उसके बावजूद भी हमारा शहर देश का सबसे गंदा शहर है। यह हमारे लिए, शहर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का बात है। उन चीज़ों को बदलने के लिए मैं लोगों को जागरूक करूंगा, लोगों की कमेटी बना करके उनसे उनका सुझाव लूंगा, उनके सुझाव को स्टैंडिंग कमेटी में लाने का प्रयास करूंगा, फिर उसको बोर्ड में रखूंगा, बोर्ड से पास करा करके फिर उसको ज़मीन पर उतारूंगा, ताकि प्रॉपर वे में हर व्यक्ति जाने कि हमारे नगर निगम में क्या हो रहा है, उनको जानने का अधिकार है। प्रतिनिधि चुन के नगर निगम में बैठ जाते हैं, अपने काम करते रहते हैं, आम लोगों को पता नहीं चलता है कि नगर निगम में हो क्या रहा है। आम लोगों के बीच हर काम का पारदर्शिता रखना ही सबसे बड़ा चीज़ है, और पारदर्शिता तरीके से मैं उस काम को करूंगा, यही लक्ष्य लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रात दिन मेहनत करना और संघर्ष ही आपकी दिनचर्या में शामिल है या आपकी हॉबीज है? नहीं, ये मेरा हॉबी है, संघर्ष करना मेरा हॉबी है। मैं 22 साल से पत्रकारिता में हूँ,
और मैंने पत्रकारिता को भी हॉबी के रूप में किया, मैंने कभी उसको अपना प्रोफेशन नहीं समझा। मैं सुबह 6 बजे भी घर से निकल जाता था, रात को 10 बजे भी निकलता था। कई ऐसे नक्सली घटनाएं हुई जिसमें मैंने 12-12 बजे 1-1 बजे रात को भी घर से निकल करके और ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग किया है। तो वो मेरा हॉबी है, मैं प्रोफेशन के रूप में उसको कभी नहीं किया हूँ, और अपना आगे का जो भी काम करूँगा उसको हॉबी के रूप में ही करूँगा। चुनाव क्षेत्र में लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, स्वाभाविक है, हर किसी की उम्मीद बढ़ती है, लेकिन वो इस उद्देश्य से यदि मैदान में लड़े और मैदान में उतरे कि मुझे कुछ बदलाव करना है तो जरूर बदलाव हो जाएगा। इसके लिए आपको भी जब फील्ड में आप जाते होंगे तो लोग आपसे अपेक्षा रखते होंगे, उम्मीद रखते होंगे, या दूसरे कई प्रत्याशी होंगे जो आपको प्रतिद्वंदी के रूप में देखते होंगे? तो मैदान में जो भी चुनाव लड़ रहे हैं हर व्यक्ति प्रतिद्वंदी रूप में देखता है, लेकिन मैं तो प्रतिद्वंदियों से भी मिलता हूं, उनसे भी अपने लिए वोट मांग लेता हूं। इसी व्यवहार के लिए आप जाने जाते हैं और आपकी छाप जो है इसी व्यवहार के लिए? और मैं उनसे भी कहता हूं कि कम से कम चुनाव ऐसे लोगों का कीजिए, शहर मैंने सासाराम शहर के चुनाव को मैं पूरे बिहार में एक मिसाल के रूप में दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए सभी लोगों से, जितने प्रत्याशी हैं, सबसे मैं कहता हूँ कि आप भी जाइए, लोगों में जागरूकता फैलाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, उनको उनका अपना अधिकार बताइए, उनकी समस्याओं को करीब से देखिए और उसका समाधान करने का प्रयास कीजिए। चुनाव में अक्सर हाँ लोग आपको प्रतिद्वंदी के रूप में देखते होंगे, कंपटीशनर के रूप में देखते हैं, आप भी किसी को ऐसा रूप में देखते हैं? मैं अपना किसी को प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखता हूँ, सभी हमारे भाई हैं, हमारे लिए कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, और जो मैदान में लड़ रहे हैं सब अपना अपना काम कर रहे हैं, जिनको भी सफलता मिलेगा हम चाहेंगे कि वो बेहतर काम करें। यही कारण है कि विनोद तिवारी की एक अलग पहचान है पूरे प्रदेश में। वो है अपने काम के बदौलत पहचान है, मैं अपने काम से कोई समझौता नहीं करता हूँ, आगे भी कोई समझौता नहीं करूँगा। क्या लक्ष्य रखा है, क्या अभी और मेहनत करना है, रात दिन एक कर देना? नहीं, सफलता मिलने के बाद मेरा मेहनत और दुगना हो जाएगा। यदि माता रानी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से यदि सफलता मिली तो मेरा मेहनत इससे भी दुगना होगा, और आगे भी मैं मेहनत करूँगा, करते रहूँगा, और पूरे राज्य को, कम से कम पूरे राज्य को दिखाऊँगा कि सासाराम में क्या परिवर्तन हुआ है और किया जा सकता है। आपके बारे में चर्चा ये है कि विनोद तिवारी कभी लक्ष्य को टारगेट नहीं किया, बल्कि वो एक प्रोफेशनल तरीके से सफर को तय किया और उस सफर में लक्ष्य को पाया। उसमें आपके कई ऐसे दोस्त होंगे, मित्र होंगे, या समाज के लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करते होंगे? मेरा सभी का सपोर्ट मुझे मिलता है। एक चीज मैं उदय जी आपको बता दे रहा हूँ कि पहले नंबर तो आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ते हैं तो उस लक्ष्य में आप लाभ देख करके आगे नहीं बढ़े, सिर्फ लक्ष्य देख करके आगे बढ़े। जिस दिन लाभ देख करके आप अपने लक्ष्य पर चलेंगे आपको कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो मैं कभी लाभ नहीं देखता हूँ, सिर्फ लक्ष्य देखता हूँ, और जिस लक्ष्य को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ मुझे उसमें सफलता।